जी, आज किस तरीके से वाराणसी आना हुआ है, किस तरीके का सम्मेलन है? देखिए, बनारस हमारा घर है और बनारस में आ जाने का उद्देश्य हमारा है शिवपुर विधानसभा और अजगरा, दो विधानसभाओं के कार्यकर्ता समीक्षा बैठक है। आगामी 2022 में सरकार बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम संगठन जो कमी है उसको ठीक करने में लगे हैं, उसी उद्देश्य से हम इधर बनारस आए हैं। वर्तमान सियासत की अगर बात करें तो ये ताज़ा तरीन बयान आया है मोहन भागवत का, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो है उनका DNA सेम है और गो कसी के मामले को लेकर के जिस तरीके से जो हिंदू आतंक फैलाते हैं वो आतंकाई, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश में दो तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में BJP के लोग गोकसी की बात करते हैं, यही BJP के लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनकी जबान बंद हो जाती है। दो तरह का सिस्टम देश में। मोहन भागवत जी इस बयान को क्यों कहे हैं? जितने BJP के नेता हैं, बड़े नेता, या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं, तो DNA तो अब मिलेगा, लेकिन गरीब कमजोर पिछड़े दलित को भकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट की बात की जाती है। ये बात अब आम जनता समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब इस नाते ये अब हिंदू मुसलमान को एक करके वोट लेने के चक्कर में है। आपकी की भागीदारी संकल्प मोर्चा के ओवैसी जी ने कहा है कि जो RSS के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कि इस तरह की सोच जो है वो हिंदुत्व में गोडसे की चीज को दर्शाती है, हिंसा हो, हत्या हो, चाहे बुजदिली हो, तो इस पे मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने ये कहा है। उन्होंने जो कहा सही कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ दक्षिण भारत और उत्तर भारत, वहाँ यहाँ गो मांस पे पाबंदी लगती है, अब वहाँ गो मांस लोग खाते हैं। एक तरफ BJP के नेता समाज को लड़ाने की बात करते हैं, दंगा कराते हैं, मार कराते हैं, दूसरी तरफ यही BJP के नेता हिंदू मुसलमान की जब नफरत की बात आती है तो दंगे होते हैं, और तीसरी तरफ इन्हीं को देखिए कि ये वहीं जितने मुसलमानों के बड़े लीडर हैं सब मुसलमानों के, BJP के जितने बड़े नेता हैं सभी मुसलमानों के यहाँ उनके बेटों से शादी किए हैं, अब तो DNA मिलेगा ही, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब होगी जब जैसे अभी चला रहे हैं ना, एक योगी जी का चल रहा है ना धर्मांतरण वाला कानून, क्या ये कानून प्रवीण तोगड़िया को लागू होगा, मुरली मनोहर जोशी को लागू होगा, आडवाणी को लागू होगा, कि खाली धरातल पे ही चिल्लाएंगे? ये पहले वहाँ लागू कर लें।